और जनाब हम एक बार फिर वापस आ चुके हैं। जैसे उमर मुझे वापस आने का कह रहा था, मैं वैसे नहीं कह सकती। ये क्या बात है, क्यों नहीं, आप क्या बी योरसेल्फ कहो ना। हाँ, जैसे कहते हैं सलाम कौन सा वाला, नहीं नहीं सलाम नो 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 यू हैव टू से इट वो वाला सलाम गेस्ट को बुलाएंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में है ऐसी खातून जिन्होंने 1994 में शोबिस को खैरबाद कह दिया, 75 के करीब ड्रामा और फिल्मों में काम किया और उसके साथ साथ वो एक शायरा भी हैं और अचानक से वो स्क्रीन से गायब हो गई और अच्छा हमारे स्टूडियो में आ गई हैं। अब उनको हम बुलाएंगे और वेरी वेल नोन पर्सनालिटी और इनसे पूछेंगे कि वो कहाँ गायब हो गई थी। हम वेलकम करेंगे सोनिया खान का। यहाँ पे वैसे क्लैरिंग वाकई वैसे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? वैसे आज का शो जो है ना वो जादू का चिराग वाला हो रहा है, जो लोग छोड़ चुके हुए थे उन सबको अपने आप वापस आ रहे हैं ना, ऐसे ही हो रहा है ना। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है? सो गुड टू सी यू बैक। मुझे खुशी है अगर आप लोग मुझे देख के खुश हैं। बिल्कुल, बिकॉज मुझे याद है कि थोड़ा थोड़ा याद पड़ता है कि जो पुराने ड्रामे थे जिनमें आप पहले काम करती थी और एकदम से उसके बाद आप गायब हो गई थी, वो मुझे ड्रामे अभी तक याद हैं। एंड यू आर, यू हैव बीन अ ग्रेट एक्ट्रेस एंड यू आर द सेम माशाल्लाह। इतनी तारीफ हैंडल करना मुश्किल है। तो आप कहाँ एकदम से कहाँ गायब हो गई थी? मैं गायब नहीं हो गई थी, मैं रुखसत हो गई थी। अच्छा, शादी करके नॉर्वे जा चुकी हूँ मैं और माशाल्लाह अभी वहाँ हूँ और हैप्पीली मैरिड। और अब जब मुझे लगा कि कुछ लोग चाहते हैं मैं वापस आऊँ और काम करूँ तो मैंने उन ऑफर्स को एक्सेप्ट कर लिया। और मैं तो आप यानी कि आती जाती रहेंगी या आप यहाँ? नहीं नहीं, मैं आती जाती रहूंगी। अच्छा, अभी जैसे मैं दोबारा आई हूँ, मेरी फैमिली वहाँ पे है और वैसे भी 6 घंटे की फ्लाइट, अब तो कुछ जा ही नहीं, फासले तो वैसे मुख्तसर हो गए। अच्छा, दोबारा से फैमिली जब सपोर्ट कर रही है कि आप दोबारा से इस इंडस्ट्री में आना चाह रही हैं? वरना मैं अभी भी गायब होती मिस पाकिस्तान जैसे जैसे मिस्टर इंडिया। लेकिन ये कि डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट और उसकी परमिशन के बगैर एक खातून के लिए मुश्किल होता है। तो अब कैसा लग रहा है वापस आके और दोबारा से वो करना जो कि आपने बहुत अरसा पहले किया था, क्योंकि दरमियान में तो बहुत बड़ा गैप आ गया था ना? जी, बहुत बड़ा गैप। तो अभी वापस आके तो इज इट, आर यू अनलर्निंग एंड लर्निंग अगेन या इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग? हर वक्त आप सीखते हैं। एक एक्टर के लिए जब वो एक्टिंग नहीं भी कर रहा होता तभी भी वो सीखता है। मैं तो कहूंगी कि मैंने जो गैप भी लिया उसमें भी सीखा, जो कि मुझे तब पता चला जब मैं परफॉर्म कर रही थी कि मैंने सीखा। क्योंकि जब आप होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं जैसे हम थे, तो आप कुछ भी नहीं करते, आप रोज स्टूडियो जाते हैं और निकलते हैं, स्टूडियो जाते हैं, आपका सीखने का प्रोसेस बहुत लिमिटेड होता है। आप दुनिया नहीं देखते, रिश्ते नहीं देखते, लोगों से आपकी उस तरह इंटरेक्शन नहीं होती। लेकिन मुझे वो, मैं समझती हूँ कि मेरी एक्टिंग उससे ज्यादा बेहतर हुई है जो मैं वहां से निकल के आम लोगों में गई, ऑब्जर्व करती हूँ। तो टीवी देखती थी पाकिस्तानी टीवी? जी, मैं एक फिल्म ना देखूं। का शो देखा आपने? जी बिल्कुल देखा, बिल्कुल देखा। तो वहां पे जाहिर है आप टीवी के जरिए ही पाकिस्तान से इन टच रहते हैं, तो शुक्रिया इन चैनल्स का। पहले की ड्रामा इंडस्ट्री जब आप काम कर रही थी और आपकी, क्या डिफरेंस आपको लगता है जब आप उधर भी देखती थी और आप जब वापस आके काम कर रही? देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले सब कुछ अच्छा था और अब सब कुछ गलत है। हमेशा हर दौर में कुछ सही होता है, कुछ गलत होता है, और इसी तरह हम सीखते हैं। पहले मुझे कुछ चीजें गलत लगती थी तो मैं इंडस्ट्री छोड़ के चली गई। अब जब मैं आई हूँ तो अब भी मुझे कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ गलत लगती हैं। बस ये है कि पहले प्रोफेशनलिज्म जरा ज्यादा था, पंक्चुअलिटी ज्यादा थी। अब मोबाइल में लोग ज्यादा वो सेट पे भी बैठे होते तो अब लोग सेल्फियां बहुत लेते हैं, सेल्फी पर ज्यादा। बिल्कुल, ये जिसकी निकलते तरफ इशारा करें हम बात करें, अरूज और सोनिया घर से निकलते हुए सेल्फी, सेट पे बैठे हुए सेल्फी, सेट से उठते हुए सेल्फी, चाय पीते हुए सेल्फी। लेकिन मेरे पास प्रूफ है, मैं फेसबुक पे लगाऊंगी सेल्फी कौन ले रहा था। नहीं, वो मुझे कहते हैं सेल्फी में अच्छी लेता हूँ इसलिए कहते, वरना आदत किसी और की। खवातीन का मसला, 25-25 तस्वीरें एक जैसी, इनका एक प्रॉब्लम है ना। जब सेल्फी लेने लगते हैं ना तो कहती है कि मेरा मुंह बड़ा आ रहा है, तुम सेल्फी लो। चलो ठीक है, मेरा मुंह बड़ा आ जाए कोई बात नहीं, इनकी बगैर मुझे अपने वो जरा। तो बिल्कुल यही प्रॉब्लम है कि जब मैं सेट्स पे होती हूँ तो जो मेरे को स्टार्स हैं
उनका लाइंस पर इतना ध्यान नहीं होता, सुन रहे होंगे शायद, अपने फोन्स पर होता है और जाहिर है वो लाइंस होती है ना वो उनके ऊपर ध्यान दे रहे ये मैं नहीं कह सकती या वेल सेड ध्यान लाइंस पे होता है, लाइंस पे होता है लेकिन लाइंस जरा फर्क होती है। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी डायरेक्टर से स्पेशली कि वो अलाउ मत करें मोबाइल सेट के ऊपर सेलफोन्स, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता और आप एक दूसरी चीज में इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि एक्टिंग एक ऐसी चीज है कि उसको मुकम्मल तरीके हाँ, से आप जब तक आप उस कैरेक्टर के अंदर नहीं चले जाएंगे और उसको फील नहीं करेंगे तब तक आप उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर सकते, बिल्कुल भूलते हैं। और कोई बात जो आपको यादें हो इस तमाम इंडस्ट्री से जो आप अभी मिस करती हो, क्या अच्छा मैं जब काम करती थी तो मेरे ये पर्क्स थे, या कोई याद ऐसी आपको अभी तक? बहुत सारी चीजें हैं जो याद करती हैं, बट आई बिलीव इन मेकिंग मोर मेमोरीज, देयर पीपल हु लाइक यू नो जिनकी मेमोरीज होती है। I don't have regrets, alhamdulillah, whatsoever. ये question बड़ा पूछ से पूछ जाता है, you have any regrets? वही ना, हाँ. No, if I have to live my life, I will live exactly the same way. Because I, normally लोग ये कहते हैं बात के पहले हम एक ऐसे रास्ते पे थे और अब हम, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर मैं वो ना करती जो मैंने पहले किया तो मुझे शायद समझ ही ना आती कि मैंने मैं चेरिश ना करती, सो नो रिग्रेट्स व्हाटसोएवर। Yes, I have beautiful memories with beautiful people of media and I cherish them and those memories. And now I'm trying to make some more so that Lovely. I can cherish forever. Positivity continues. Kya matlab pehle memories bane aur phir aap kuch arsa unko yaad kar kar ke kabhi aankhon mein aansu aaye, why? I mean, you know, no, why can't you create? You can memorize it. Didn't we make memories just now? Every interaction, matlab jitne logon ko aap milte hain unse aap kuch naya seekhte hain, kuch naya sikhate hain. Mere khayal hai this is how life goes on. It should never end. Kahin pe bhi aake rukna nahi chahiye zindagi mein. Haan, humne bhi abhi tak mere khayal hai ब्रेक के अंदर सारी जूतों पे भी बात कर ली, ड्रेसेस पे भी बात कर ली, हमें भी पता चल गया मतलब अबाउट योर लाइफ एंड योर लाइफ, सो आई थिंक दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, वी शुड कंटिन्यू लिविंग विद दिस पॉजिटिव एनर्जी एवरी सेकेंड। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच अरूज, आप आए, आपने इतना ज्यादा टाइम दिया, हमें आपसे बात करके ऑफ जो कैमरा है उसमें ही बात करके बात करना, वक्त हुआ एक ब्रेक का और जब वापस आएंगे तो उरूज को हम खुदाफिज कह रहे हैं और सोनिया हमारे साथ मौजूद है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जागो लाहौर।